स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड के रिजल्ट 10 मई को जारी होने वाला है। दोस्तों, आज शिक्षा मंत्री बीडी गल्ला ने बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके अलावा दोस्तों, नई भर्ती की भी घोषणा हो चुकी है। 34,000 पदों पर नई भर्ती आपको थर्ड ग्रेड भी देखने को मिलेगी, जिसको लेकर आज शिक्षा मंत्री बीडी गल्ला ने दोस्तों मीडिया से बातचीत करते हुए नई भर्ती की भी घोषणा कर दी है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे ही आपकी जो पुरानी भर्ती पूरी होती है या पुरानी भर्ती वाले छात्रों को ज्वाइनिंग मिलती है, उसके तुरंत बाद ही आपको नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, लेकिन इससे पहले प्री का एग्जाम होगा। प्री के एग्जाम के बाद ही आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। छात्रों द्वारा मांग की जा रही है कि रीट में एक ही पेपर किया जाए। वहीं दोस्तों, रीट में लगातार पद बढ़ोतरी की जो मांग की जा रही है, 60,000 पद बढ़ाने को लेकर, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री बीडी गल्ला ने साफ तौर पर मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नई भर्ती को लेकर वो तैयारियां कर रहे हैं, पुरानी भर्ती में वो पद नहीं बढ़ाएंगे, यानी कि नई भर्ती आपकी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपका पहले अजमेर बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके द्वारा प्री एग्जाम होगा। उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इसका दोस्तों मेन्स का पेपर करवाया जाएगा। और रीट में जो 8% राजस्थानी भाषा के पूछे गए हैं दोस्तों, उन पर आपको अपडेट आ रही है कि दोस्तों बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। बोनस अंक की यहाँ पर दोस्तों मांग को खारिज कर दिया है, क्योंकि कुछ छात्र बोनस अंक की मांग कर रहे थे, लेकिन जो जिन्होंने राजस्थानी भाषा के सवाल सही किए हैं, उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने वो क्वेश्चन सही किए हैं, उनको इसके बोनस अंक नहीं मिलने चाहिए, वरना कट ऑफ में तो कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। इसीलिए उन्होंने मांग की है कि जो 150 प्रश्न पूछे गए हैं उनमें 8 प्रश्नों को डिलीट करके 142 प्रश्नों पर रिजल्ट जारी किया जाए, यानी कि टोटल मार्क्स में से भी आपके नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि 1 प्रश्न आपका 2 अंक का था दोस्तों, तो आपको बोनस अंक मिलेंगे। दोस्तों, रीट का रिजल्ट है वो आपका 10 मई तक बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा, और रिजल्ट आने के बाद दोस्तों 45 दिन में ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 96,000 छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पास किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट आपका जून में आएगा दोस्तों, क्योंकि अभी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसमें अभी 1 से 2 महीने और लग जाएगा। तो रीट का रिजल्ट आते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। 9 लाख छात्रों का रिजल्ट जारी होना है, जिसमें दोस्तों 48,000 जगह की जगह 96,000 छात्रों को, दुगुना छात्रों को पास किया जाएगा दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है, यानी कि 7 से 8 मई तक रिजल्ट घोषित हो जाएगा। अगर रिजल्ट जल्दी आ जाता है तो आपको ज्वाइनिंग भी इसमें जुलाई तक मिल जाएगी दोस्तों, और नई भर्ती की घोषणा अगस्त में, नई भर्ती का नोटिफिकेशन 34,000 पदों पर देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।